IUCN के हिसाब से ग्रेट वन हॉर्न राइनो जो है, गैंडा जो होता है, उसका क्या स्टेटस है वो आपको बताना है। क्या ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, वल्नरेबल है, नियर थ्रेटेंड है, या फिर लीस्ट कंसर्न है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो चीजें होती है ना, जैसे एक मेरे स्टूडेंट ने भरत गुप्ता ने क्वेश्चन पूछा था मुझसे, काफी सारी फैक्चुअल चीजें होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। जैसे अगर आप एनिमल्स भी देखेंगे तो उनका स्टेटस भी चेंज होता है। कौन से राज्य के अंदर सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर कहां पे ज्यादा है, या फिर इस तरीके के जो फैक्ट्स होते हैं, यूजुअली जब दो स्टेट्स के बीच में कंपटीशन होता है जिनकी पोजीशन आसपास की रहती है तो वो रैंकिंग चेंज होती रहती है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए जो फैक्ट्स अपने हैं वो गवर्नमेंट वेबसाइट से लेनी चाहिए। इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो न्यूज़पेपर होते हैं वहीं से क्वेश्चंस आपके बनाओ, या फिर पीआईबी जो होता है, पीआईबी मेरा प्रेफरेंस रहता है, वैसे पीआईबी से ही बनाओ। पीआईबी के अलावा न्यूज़पेपर में भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसको भी कवर करना जरूरी होता है, उसमें से लेता हूं, देन आरएसटीवी में से लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर कई बार इस तरीके के फैक्ट्स होंगे, आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो हो सकता है वो चेंज हो, तो आप वेबसाइट का नाम जरूर देखिएगा। अगर वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट नहीं है तो चांसेस ज्यादा है कि वहां पर जो फैक्ट्स होंगे वो गलत होंगे। गलत होने के चांसेस है, मैं ये नहीं कह रहा कि होंगे ही होंगे, एक्यूरेसी कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है अगर हम गवर्नमेंट वेबसाइट पर नहीं देखते हैं तो। सेकंड चीज ये, कई बार एक्यूरेसी तो सही होती है लेकिन टाइम गैप होता है। 2011 में किसी चीज का स्टेटस वल्नरेबल था लेकिन 2020 में वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ये भी तो हो सकता है ना, तो ये स्टेटस भी चेंज होते हैं। 2011 के अंदर एक एक्स स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी थी, 2020 के अंदर वाई स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा सोलर एनर्जी है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखिए कि टाइम पीरियड का जरूर ध्यान देखिएगा, क्योंकि अभी ज्यादातर जो एजुकेशन ली जाती है वो हम ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ही देखते हैं, और इसी वजह से टाइम और वेबसाइट का नाम दोनों इंपॉर्टेंट है। वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी भी तो इंपॉर्टेंट है ना, वेबसाइट गवर्नमेंट वेबसाइट हो तो अच्छा है, नहीं हो तो देख लीजिएगा, एक वेल नोन वेबसाइट होनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो यहाँ पे टाइम पीरियड है वो भी जरूर देख लीजिएगा कि वो आर्टिकल पब्लिश कब हुआ है। यहां पर IUCN स्टेटस की बात करें तो मैं आपको बताऊंगा करेक्ट आंसर इज वल्नरेबल, बी इज द करेक्ट आंसर। और हमारे यहाँ पे आप जानते हैं कि अलग अलग तरीके के पूरे वर्ल्ड के अंदर जो राइनोज हैं वो मिलते हैं। मैं आपको बताता हूँ जावन और सुमात्रन राइनोज जो हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। ग्रेटर वन हॉर्न्ड या फिर जिसे इंडियन राइनो कहा जाता है वो वल्नरेबल है, ठीक है। और ये IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से मैंने आपको रैंकिंग बताई है। कहां कहां पे पाए जाते हैं, दे आर स्प्रेड अक्रॉस इंडिया, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन कंट्रीज के अंदर आपको मिल जाएंगे। दीज कंट्रीज आर ऑल्सो नोन एज एशियन राइनो रेंज कंट्रीज, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंट्री को एशियन राइनो रेंज कंट्रीज के तौर पे जाना जाता है, और फिर आपको नीचे चार ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिए किस किस कंट्री का नाम बताया है, इंडिया इज देयर, नेपाल इज देयर, भूटान इज देयर, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। चलिए ध्यान रखिएगा, अभी न्यूज क्यों थी, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर राइनो किल्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट स्टाफ इन असम, तो एक जो राइनो था उसने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ को मार दिया, काजीरंगा नेशनल पार्क की न्यूज है, इसी वजह से ये क्वेश्चन बनाया गया था। इनको लेकर, इनके स्टेटस को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है।